Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मुझे गांव में 15 साल सेवा करते हुए हो लिए हैं। विकास के लिए ही 15 साल से मैं गांव में मेहनत कर रहा हूँ। यहाँ पैसा टोटल लगाया जाएगा गांव में। हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य है वो युवाओं के लिए होगा। कविता देवी, हम तो जी छोटे की सहायता, छोटे प्रधान जी को सपोर्ट रहे, कविता को वोट देंगे। छोटे प्रधान जी गए ना भाई, हम तो छोटे प्रधान जी गए ना, कविता को वोट देंगे। कविता देवी उन्हें वोट देंगे, कविता को देंगे वोट। और इस वक्त मैं मौजूद सरूरपुर ब्लॉक के गांव कालंदी में हूं। आपको बताऊं, ग्राम पंचायत चुनाव यात्रा में लगातार आप आयसन पर देख पा रहे हैं किस तरीके से चुनावी वादे, किस तरीके से कैंडिडेट कर रहे हैं, किस तरीके से उनके मुद्दे क्या क्या हैं, किन मुद्दों को लेकर, किन वादों को लेकर वो चुनावी मैदान में उतरे। और मेरे साथ ज़्यादा बात करने के लिए छोटे प्रधान हैं और यहाँ से उनकी पुत्र वधू कविता देवी चुनाव पद की भावी उम्मीदवार यहाँ से हैं। मुझे गाँव में 15 साल सेवा करते हुए हो लिए हैं। आदमी ने भी जिस टाइम भी आवाज़ लगाई उसी टाइम मैं खड़ा मिला। मैंने 10 मिनट की देर नहीं लगाई। और उसके अलावा जो गांव में खड़ंजे या नाली या जो भी विकास कार्य है, मैं ये चाहता हूं कि 5,500 कुर्सी पंचायत घर में डलवा दूं और सभी अपना सलाह करके जहां उसे खर्च करना चाह वहां कर लें। मुझे विकास की ज़रूरत है, विकास के लिए ही 15 साल से मैं गांव में मेहनत कर रहा हूँ। वजह तो ये है, उसका कोई भी विकास का कार्य करने का मन शुरू से ही नहीं था, लेकिन गांव में वो किसी के सामने बोलता नहीं, इस वजह से उसे जनता वोट दे। और नहीं तो उसने आज लो कोई कार्य करना ही नहीं चाहा गांव में। सब शौचालयों के पैसे खा गया, जो शमशान घाट थे उनमें पैसे खा गया, जो ओड में कोई सफाई नहीं हुई उनके सब पैसे खा गया। उसने तो आज लो कोई कार्य गांव में करना ही नहीं चाहा। जच्चा बच्चाओं का आते हैं, ये घी आया है, जच्चा बच्चाओं के में जच्चा बच्चा का जो भी बच्चों का पोसार जो आता है सब हजम कर गया जी। तो यानी आपके भरोसे पर और जनता के भरोसे पर दो योजना रहने के बाद भी यहाँ के जो मौजूदा ग्राम प्रधान थे तो पूर्व हो गए। हाँ जी, वो भरोसे पर खरे नहीं उतर पाए, वे अपने वादों को लेकर खरे नहीं उतर पाए जी। मैं वादा करता हूँ हर तरीके के सारे गांव के विकास के या जो भी जनता का है वो जनता को दिलवाऊंगा और विकास, पूर्ण विकास करूंगा, कहीं कमी नहीं आन दूँ उंगली टेकने की। बदलाव की स्थिति रुकी हुई है और इस बदलाव को अगर जनता ग्राम प्रधान बनाएगी तो ये बदलाव सारे कार्य पूरे करे जाएंगे। यहाँ पैसा टोटल लगाया जाएगा गांव में और जनता के बीच में रह के एक जनता दरबार लगाएंगे। जनता दरबार लगा के और विकास कार्य कराएंगे, कहीं कोई कमी नहीं आन देने के। तार 15 साल कंटिन्यू जो है लोगों के बीच में अपना साथ देना और लोगों की समस्या सुनना, उस पर काम करना। छोटे जी यहाँ पर किसी पद पर ना होते भी, मगर बीजेपी में बूथ अध्यक्ष ज़रूर हैं, मगर गांव में किसी पद पर नहीं थे। उन्होंने लगातार गांव की लोगों की मेहनत की, लोगों के साथ दिया, लोगों के साथ चले, लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरे। और इस बार इन्हें पूरी उम्मीद है जनता से कि ये जनता इस बार जीत का ताज इन्हें यहाँ पर पहना रही है। मेरा नाम कविता सोम, वाइफ ऑफ संजय सोम। मैं ग्राम कलंदी व नवादे की भावी उम्मीदवार हूँ ग्राम प्रधान के पद के लिए। आप सभी से निवेदन करती हूँ, आप मुझे भारी वोटों से विजयी बनाएं और मैं जो भी सेवा होगी गांव समाज की मैं करूँगी और बेटी बन के काम करूँगी, सेवा और सम्मान करूँगी। आप सभी का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा तो मैं आप सबके साथ पूरा साथ दूँगी। ग्रामवासियों में नमस्कार, मेरा सभी ग्रामवासियों ने इस बार हमें बहुमत से विजय बनाए जिससे कि हम अपने गांव का सेवा कर सकें। जो सरकार की ओर से हमें गांव के विकास के लिए योजनाएं आएंगी उन सभी योजनाओं से ग्रामवासियों को अवगत कराया जाएगा
उनसे मिलने वाला लाभ सभी ग्रामवासियों तक पहुँचाया जाएगा। हमारा जो सबसे पहला उद्देश्य है वो युवाओं के लिए होगा। गांव के कुछ लोग मेरे साथ में, उनसे जान लेते हैं कि इस बार वो किसे ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और जीत की ओर वो किसे लेकर जा रहे हैं। कविता देवी, कविता देवी जी को। हाँ जी, छोटे को, छोटे प्रधान जी को। हाँ जी जी, हम तो जी छोटे के साथ हैं दो योजना से और आगे भी छोटे के साथ रहेंगे, पूरा समर्थन है और होगा भी जरूर। छोटे प्रधान जी को सपोर्ट रहेगा, छोटे प्रधान जी को सपोर्ट करेंगे, कविता को वोट देंगे। छोटे प्रधान जी गए ना भाई, हम तो कविता की वोट देंगे। हाँ, तन मन धन से छोटे कविता को, कविता देवी जी को। छोटे प्रधान जी गए ना, कविता को वोट देंगे। हाँ जी, छोटे प्रधान जी के साथ में है, इनकी पुत्र वधु जो है कविता देवी, उन्हें वोट देंगे। हर तरीके से इनके साथ है, तन मन धन से। तो भैया पहले से गए हैं, छोटे की गए ना, कविता को देंगे वोट। भैया पूरा सपोर्ट है छोटे को, शुरू से छोटे की गैली और छोटे की गैली हैं, पूरा सपोर्ट है छोटे सच्चा को, और वोट भी नहीं देंगे और सपोर्ट भी देंगे भाई। छोटे प्रधान के लड़के की बहू को कविता देवी को सपोर्ट कर रहे हैं, पहले से करते आए और पढ़ी लिखी भी है, बहुत होशियार है, जो काम करेगी और सबके कमी बैठा के बीच में जो प्रस्ताव रखेगी, ऐसा कोई उलझाना पुलझाने का कोई काम नहीं करेगा। हमका छोटे सपोर्ट है जी, जानते और हमारा मोहल्ला, हमारा खानदान, सारा एरिया सब छोटे साथ है। आप देख सकते हैं कि दोनों गांवों के लोग यहां पर मौजूद हैं और काफ़ी समर्थन, काफ़ी सपोर्ट जो है कविता देवी जी को यहां पर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हम सपोर्ट करें छोटे को, क्यों कर रहे प्रधान, जो 10 साल प्रधानी करी इसने, जो इसने एक पैसे काम नहीं करे गांव में, पैसे सारे खा लिए इसने और रास्ता एक नहीं बनवाया, कोई प्रमुख से बनवाया इनने, कोई किसी बनवाया, अपने दौरे से कोई रास्ता नहीं बनवाया। ये जो इलेक्शन में हम कैंडिडेट हैं अभी, वो मेरी भाभी हैं, तो मेरा तो सभी गांव वालों से यही निवेदन है कि इस बार पूर्ण रूप से समर्थन दिया जाए ताकि गांव का अच्छे से विकास करने में हम भी थोड़ा सा सहयोग दें।